नमस्कार, मैं रविश कुमार। 2007 में जब मंदी आई थी तब उसी साल शाहरुख खान की एक फिल्म आई थी ओम शांति ओम। इस फिल्म का एक गाना था दर्दे डिस्को। 2016 में उत्तर प्रदेश में मंदी की शिकार कांग्रेस ने बनारस में अपनी एक यात्रा लॉन्च की है, इसका नाम है दर्दे बनारस। दर्दे डिस्को के रचयिता थे जावेद अख्तर साहब, दर्दे बनारस के रचयिता बताए जाते हैं प्रशांत किशोर साहब। दर्दे बनारस किसका दर्द है, कांग्रेस का या बनारस के लोगों का, जिसे कांग्रेस अपने नारों से आवाज देना चाहती है। वैसे सोनिया गांधी की तबीयत खराब हो गई है और वे रोड शो खत्म करने के बाद ही दिल्ली की तरफ रवाना हो रही थी, मगर एयरपोर्ट पर उन्हें ड्रिप चढ़ाना पड़ा। अभी तक गांधी अंबेडकर युग्म का इस्तेमाल होता था, पहली बार अंबेडकर कमलापति त्रिपाठी जैसा युग्म बनाने का प्रयास हो रहा है। सोनिया गांधी ने बनारस में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर अपनी यात्रा की शुरुआत की। यह रोड शो 6 किलोमीटर चलकर इंग्लिशिया लाइन के पास कमलापति त्रिपाठी के नाम पर बने तिराहे के पास समाप्त होना था। इसी जगह पर कांग्रेस का पुराना दफ्तर है। सोनिया गांधी कहीं कार के भीतर रही तो कहीं कहीं कार से बाहर भी निकली। रणनीतिकारों के हवाले से बताया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्षेत्र से रोड शो की शुरुआत का एक राजनीतिक मैसेज है। कांग्रेसी कार्यकर्ता उत्साह में तो दिखे और शायद स्थानीय राजनीति को समझने वालों के अनुसार एकजुट भी। उनका कहना है कि नतीजा तो पता नहीं, लेकिन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की भीड़ देखकर लग रहा है कि 27 साल से हारने वाली पार्टी इतना बता रही है कि वो जिंदा है, वो जिंदा रहना चाहती है। कमलापति त्रिपाठी 1971 से 73 के बीच यूपी के मुख्यमंत्री रहे। 1975, 77 और 1980 में थोड़े वक्त के लिए केंद्रीय रेल मंत्री। बनारस में लोग कहते हैं कि डीजल लोकोमोटिव कारखाना जो है, और भी कई काम उन्होंने कराया। उनकी मृत्यु के 26 साल बाद उनकी ऐसी कौन सी राजनीतिक पूंजी बची होगी जिसके दम पर कांग्रेस ब्राह्मण मतदाताओं को रिझाने का प्रयास कर रही है। रोड शो में आए कितने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को अब कमलापति त्रिपाठी की स्मृति भावुक करती होगी। कमलापति त्रिपाठी ने 10 से ज्यादा किताबें लिखी हैं, विरले ही होंगे जिन्होंने उनकी कोई किताब पढ़ी होगी कार्यकर्ताओं में। 2008 में कमलापति त्रिपाठी की 103वीं पुण्यतिथि पर दिल्ली में सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह और उनकी एक किताब ने मनमोहन सिंह ने उनकी एक किताब बापू और मानवता का लोकार्पण किया था। इस मौके को रिपोर्ट करते हुए जयंती पर रिपोर्ट करते हुए इंडियन एक्सप्रेस के डीके सिंह ने लिखा था कि कांग्रेस 2009 के लोकसभा चुनावों को देखते हुए यूपी में अपनी सीट बढ़ाने के लिए कमलापति त्रिपाठी को याद कर रही है ताकि ब्राह्मण मतदाता उनके पास आ सके। पत्रकार डीके सिंह ने यह भी लिखा था कि ऐसा बहुत कम होता है जब AICC महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को छोड़कर किसी बड़े नेता की जयंती या पुण्यतिथि मनाती हो। कमलापति त्रिपाठी मोतीलाल नेहरू के जमाने से गांधी परिवार के साथ रहे, चार पीढ़ी से ऐसा बताया जाता है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, राजीव गांधी तक आते आते उनकी कुछ अनबन हो गई जिसके कारण उन्होंने 1986 में नेतृत्व की कमियों को गिनाते हुए 4 पन्ने का राजीव गांधी को एक लंबा खत लिखा। जब कांग्रेस कार्यकारिणी नाराज हो गई तो कमलापति त्रिपाठी को माफी मांगनी पड़ी, मगर वे आजीवन कांग्रेस ही रहे। 4 पीढ़ियों से उनका परिवार इसी वजह से कांग्रेस में है। शायद कमलापति के बेटे लोकपति त्रिपाठी मंत्री बने, वे कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सके। लोकपति त्रिपाठी की पत्नी चंद्रा त्रिपाठी चंदौली से सांसद रही। लोकपति त्रिपाठी के बेटे राजेशपति त्रिपाठी चुनाव लड़े। राजेशपति त्रिपाठी के बेटे ललितेशपति त्रिपाठी इस वक्त मड़ियान से विधायक हैं। और कोई त्रिपाठी है हमसे छूट गया हो तो माफ कीजिएगा। यह सूची भारतीय राजनीति की एक बुनियादी समस्या के प्रति इशारा करती है। कमलापति इतने ही बड़े नेता होते तो उनके नाम पर उनके वारिसों की तूती बोल रही होती। कांशीराम की राजनीति ने उत्तर प्रदेश की राजनीति के सारे बुनियाद बदल डाले। ठाकुर ब्राह्मण मुख्यमंत्री की बात तो दूर, पार्टी में कोई बड़ी हैसियत भी नहीं मिलती थी। यूपी में राजनीतिक चर्चाओं में ब्राह्मण मतदाताओं की गिनती बंद हो गई थी। वहां की राजनीति में ब्राह्मण मतदाताओं की पुनर्खोज का श्रेय जाता है मायावती को। जून 2005 में लखनऊ में मायावती ने ब्राह्मण सम्मेलन कर सबको चौंका दिया था। 2007 में 86 ब्राह्मणों को टिकट दिया जिसमें से 34 जीते। 2007 में बसपा ही एकमात्र पार्टी बनी जिसके पास सबसे अधिक ब्राह्मण ठाकुर विधायक थे। सतीश मिश्रा मायावती के विश्वास पात्र बनकर उभरे। उस साल पहली बार बसपा में मायावती के अलावा 2 अन्य नेताओं को हेलीकॉप्टर मिला था, नसीमुद्दीन सिद्दीकी और सतीश मिश्रा। 2012 में भी मायावती ने 74 ब्राह्मण उम्मीदवार उतारे, मगर वो चुनाव ही हार गई। 2012 में 86 ब्राह्मणों को टिकट दिया था उन्होंने। भारतीय राजनीति और समाज के ऐतिहासिक चक्रों को इन्होंने 2007 और 12 में पलटा एक तरह से।
2007 के यूपी विधानसभा चुनाव की रिपोर्टिंग निकाल कर देखेंगे तो आज से कहीं ज्यादा तब ब्राह्मण मतदाताओं की चर्चा हुआ करती थी। यूपी का हालिया इतिहास बताता है कि ब्राह्मण मतदाताओं ने त्रिपाठी, मिश्रा और तिवारी देखकर वोट देना छोड़ दिया है। उस पर बीजेपी की भी दावेदारी है और बसपा की भी। कांग्रेस के पास नेता है तो बसपा के पास उन्हें जिताने की गारंटी। अब एक सवाल है जो 2014 से भारतीय राजनीति में बना चला आ रहा है, क्या राजनीति प्रबंधन से निर्धारित हो रही है? क्या आप पार्टी में किसी की हैसियत नहीं रही कि वो अपने दम पर कार्यकर्ताओं को और गुटों को जुटा ले? क्या इसके दम पर कांग्रेस अपने भीतर जान भर सकती है? इससे पहले लखनऊ में कांग्रेस के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं का जुटान हुआ, रैंप बनाया गया जिस पर राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं से संवाद भी किया। कार्यकर्ताओं की भीड़ उस पार्टी के लिए हैरानी पैदा कर रही होगी जो 27 साल से यूपी की सत्ता में नहीं है। क्या जनता इस तरह के प्रबंधन से हैरत में आ जाती होगी? बनारस में भी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का उत्साह दिखा, नए नए झंडे बता रहे थे कि वे कम से कम लड़ने के लिए तैयार हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी ने, उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने, उनसे भी पहले राजीव गांधी ने इस शैली की शुरुआत की। बीच में यूपी की राजनीति में अमर सिंह गांव-गांव में वीडियो रथ पहुंचाने लगे, मगर राजनीतिक प्रबंधन का परिपक्व रूप दिखा 2014 में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3D के जरिए लोगों के बीच पहुंचने लगे, अब लोगों को भी 3D के जरिए पीएमओ में पहुंच जाना चाहिए। नेता एक साथ कई रूपों में लीला करने लगा, कई मूर्तियों पर मल्यार्पण करने लगे। बनारस में नामांकन भरने गए तो प्रस्तावकों के नामों की घोषणा ऐसे हुई जैसे किसी राजा को धरती पर उतारा जा रहा हो। उम्मीद है बनारस में उनके सारे प्रस्तावक काफी अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे। चाय पे चर्चा जैसा ब्रांड लॉन्च हुआ, उन्हीं कार्यक्रमों की नकल में पंजाब में एक नकली ब्रांड लॉन्च हुआ है, हल्के विच कैप्टन। मतलब आइडिया वही है 2014 वाला जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने अब छोड़ दिया है। हमारी राजनीति आइडिया की भूखी हो गई है। दिल्ली की सड़कों पर बरसात के कारण गड्ढे बन गए तो कांग्रेसी नेताओं ने मगरमच्छ और शार्क की मूर्ति डालकर उसे रोचक बना दिया और उनका प्रदर्शन कैमरे पर आ गया। कांग्रेसी नेता यह भूल गए कि आइडिया कर्नाटक से आया है जहां उन्हीं की सरकार है, वहां पर कलाकार इसी तरह गड्ढों को भरकर अपना विरोध दर्ज करते हैं। बेंगलुरु में जो आइडिया कांग्रेसी सरकार के खिलाफ है, दिल्ली में वही आइडिया कांग्रेसियों का हथियार है। जो मोदी का आइडिया है वही राहुल का है और वही अरविंद का। क्या कांग्रेस यह बता रही है कि प्रबंधन और तैयारी पर सिर्फ बीजेपी का एकाधिकार नहीं है? 27 साल से सत्ता का विस्थापन झेल रही कांग्रेस के पास यूपी में 28 विधायक हैं। अपवाद को छोड़ दें तो इनमें से एक भी नेता ऐसा नहीं हुआ जिसमें खुद को बड़ा करने और कांग्रेस को जिंदा करने की भूख कभी दिखी हो। इतनी खाली जगह मिली उसे, उसकी कोई ताकत नहीं बची है, इसलिए दिल्ली की तरफ ताकता है। इसलिए आप इस भीड़ में कार्यकर्ताओं के उत्साह और जीप ट्रक के ऊपर बैठे नेताओं के उत्साह में अंतर देखेंगे। जितने विश्वास से कार्यकर्ता आया है, नेताओं को देखकर लगता है जैसे वे अपने आप से हैरान हो कि क्या क्या करना पड़ रहा है, नहीं जीते तो क्या क्या सुनना पड़ेगा। या आपको इसमें कांग्रेस के भीतर किसी नई इच्छा शक्ति का उदय दिख रहा है? राजनीति में संघर्ष जब आयोजन बन जाता है तब उसका बहुत लाभ नहीं मिलता है। कांग्रेस को जल्दी ही अपने उम्मीदवारों की जाति से आगे निकलकर नीति पर आना होगा। उसके स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं में ऐसी धार नहीं है कि वो रोहित वेमुला से लेकर ऊना की घटना तक और गौ रक्षकों को लेकर आक्रामक प्रहार कर सके। उसके नेता इसी दुविधा में रहे कि राहुल गांधी ने JNU जाकर ठीक किया या गलत कर दिया। वे कभी हिंदुत्व के आगे कमजोर पड़ जाते हैं तो कभी लड़ने की औपचारिकता निभाकर किनारे चले जाते हैं। कांग्रेस का संकट सिर्फ चुनाव और प्रबंधन का नहीं है, बड़े से लेकर छोटे नेताओं में विचार का घोर संकट है। 2 साल में मोदी सरकार की सख्त समीक्षा तो हुई लेकिन विपक्ष के रूप में कांग्रेस की भूमिका की समीक्षा नहीं हुई है। क्या यूपी के जरिए कांग्रेस में कुछ नया होता देखा जा सकता है या वही होता हुआ दिख रहा है जो बीजेपी में हो चुका है, जो आम आदमी पार्टी में हो चुका है, जो ट्रंप और हिलेरी क्लिंटन के यहां हो चुका है? हम प्राइम टाइम में बात करेंगे। हमारे साथ निर्जा चौधरी जी हैं और पाणिनी आनंद हैं, आप कैच न्यूज के सीनियर एडिटर हैं वहां पर। निर्जा जी, मैं आपकी टिप्पणी जानना चाहता हूं कि 2 आयोजन आपने कांग्रेस के देखे, ये आयोजन नया है या कांग्रेस नहीं है? मुझे लगता है कांग्रेस में थोड़ी ऊर्जा आई है, अरुणाचल प्रदेश के बाद, उत्तराखंड के बाद वो जो जीत हुई है लीगली उनकी वहां, और कहीं ना कहीं एक रणनीति भी सामने आ रही है। जो पत्ते उसके हाथ में हैं उनसे सबसे बेहतर खेले जा रहे हैं।
और ये तो कहा जा सकता है कि कांग्रेस चर्चा में फिर से आ गई है उत्तर प्रदेश में, चर्चा में आने से उससे ज्यादा आज कुछ कहना कि इतनी सीटें जीतेगी, ये होने जा रहा है, ये जल्दीबाजी हो, क्योंकि हमने आपने सबने देखा है कि बहुत ज्यादा चर्चा में आने वाली पार्टियां भी चुनाव हारती हैं। बिल्कुल, ये कुछ और कहना मुश्किल। पर आपको, आप जो आपको ये ऊर्जा दिख रही है, क्या आपको लगता है कि ये इतनी ताकत अगर कांग्रेस पंजाब में लगाती या गुजरात में लगाती जहां 30% से ज्यादा उसके पास वोट हैं तो बेहतर नतीजा आता? वहां अब मैं मानती हूं कि उत्तर प्रदेश से ज्यादा महत्वपूर्ण पंजाब हो गया है, मान लीजिए हाइपोथेटिकली। और मैंने कई लोगों से बनारस में फोन करके, पत्रकार हैं और उनसे पूछने की कोशिश की, क्या लोग जो वहां मौजूद थे क्या वो कांग्रेस के रोड शो को एक नई नजर से देख रहे हैं, या जैसे भीड़ जमा होती है, क्यूरियस लोग आते हैं, देख के चले जाते हैं? अब उसका जवाब नहीं है, लेकिन मान लीजिए एक उत्साह आ जाता है उत्तर प्रदेश में, लेकिन पंजाब में कांग्रेस ठप हो जाती है, नहीं जीतती है, आम आदमी पार्टी जीत जाती है, तो उसका असर उत्तर प्रदेश पे क्या होगा कांग्रेस को लेके? तो कांग्रेस गलत जगह ताकत लगा रही है, गलत वहां भी लगाना चाहिए, मैं नहीं मैं कह रही हूँ, पर इस समय सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई कांग्रेस के लिए, आपके लिए, बीजेपी के लिए उतना नहीं, पंजाब है, पंजाब है, कांग्रेस और आप दोनों के लिए। पानिनी, आप तो उस इलाके से आते हैं जो नीरजा कह रही थी कि क्या वहां के लोगों में उत्साह है कांग्रेस के इस रुख को देखकर? और मैं वहां का स्थानीय मीडिया फॉलो नहीं कर पाया, लखनऊ की घटना को कैसे दिखाया गया और या फिर उस पर क्या प्रतिक्रिया हुई, और जो अभी बनारस में रैली हुई? दो चीजें हैं इसमें, एक तो जो आपने कहा ना कि कार्यकर्ता में उत्साह दिखा नेताओं में नहीं, वो बात दरअसल एकदम सही है। और इतने लंबे समय तक लगातार लोगों का बना रहना इस तरह के मौसम में, इस तरह का समय, जबकि सावन का महीना बनारस का हाई टाइम है, सबसे ज्यादा गतिविधियां त्योहारों की और बाकी चीजों की वहां हो रही होती हैं, अयोध्या, मथुरा और काशी तीनों के लिए सावन बहुत महत्वपूर्ण है, झूला मेला का समय होता है तीनों नगरों के लिए, जो कार्यकर्ता का उत्साह है वो देखने लायक है। सोनिया गांधी का शो मूल रूप से और राहुल गांधी का जो रैंप वॉक था, ये दोनों चीजें, रोड शो और रैंप वॉक, दोनों के दोनों दरअसल मूल रूप से कार्यकर्ता पर फोकस्ड है। हमें ये नहीं समझना चाहिए कि ये वोटर के ऊपर बात अभी आ गई, अभी तो कार्यकर्ता को दोबारा उत्साह से भरना है, उसमें एनर्जी डालनी है, उसको विश्वास दिलाना है। और साथ साथ एक जो चीज है, जो बात नीरजा जी कह रही थी, मैं यहाँ पे थोड़ा सा सहमत हूँ कि यूपी में क्यों आवश्यक है, उत्तर प्रदेश का मैसेज अगर बिहार जैसा मैसेज बनता है, कांग्रेस भले ही 28 से 29 तक ही पहुंचे या 27 पे ही रुक जाए, लेकिन भाजपा की हार, भाजपा के अगले वोट बैंक में सेंध लगना, भाजपा की छवि को वहां पे कमजोर कर पाना, ये सारी चीजें कांग्रेस के लिए एक दूरगामी रणनीति का हिस्सा है, जिसमें भाजपा को रोकना ठीक बिहार की तर्ज पे, तो अकेले रोक रहे, बिहार में बड़ा अंतर था पानिनी की, वहां पे तीन दलों का एक अलायंस था, यहाँ तो लगता नहीं है कि मायावती या कांग्रेस का अलायंस होगा, मतलब वो तो संभव नहीं है, दोनों के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार अब स्पष्ट हैं, इसके बाद तो लगता नहीं है अलायंस होने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे मसला पूरा ये है कि हम कितना वोट परसेंटेज में डेंट कर पाते हैं भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति भी ऐसी नहीं है कि वो बहुत अच्छी स्थिति में है वहां पे। जो पिछले दिनों की घटनाएं हैं आप देखिए कि मुंबई के अंबेडकर भवन के मसले से लेकर और ऊना तक, और उसके बाद में मायावती के बारे में जो टिप्पणी है, उसके बाद ये गुंजाइश की नॉन जाटव और जाटव वोट, दलित वोट बहुत शिफ्ट कर पाएगा, जो पूरी सोशल इंजीनियरिंग और 2000 किलोमीटर की जो परिक्रमा अमित शाह कर चुके हैं उत्तर प्रदेश में, वो किसी नतीजे पे पहुंचेगी, इसकी ये उसको बहुत खासा नुकसान पहुंच चुका है ऑलरेडी। अब स्कोप कहां बचा मुस्लिम वोट, उसका लाभ कांग्रेस को मिल रहा है क्या? उसका लाभ कांग्रेस को इस तरह से मिल रहा है कि पहली चीज तो कांग्रेस चर्चा में वापस आ रही है। यहां से समझना चाहिए कि मायावती जिस वक्त ऊना की घटना का जिक्र राज्यसभा में कर रही थी, उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा कि गुजरात में अपोजिशन पार्टी कांग्रेस है, लेकिन मेरे बोलने के बाद ही इनकी आंखें खुली हैं। यानी मायावती को दिख रहा है कि दलित वोट, खास करके जो नॉन जाटव वोट है, उसके ऊपर भाजपा से ज्यादा कांग्रेस की नजर है, और मायावती को खतरा भी भाजपा से ज्यादा कांग्रेस से है। तो कांग्रेस चर्चा में वापस आ रही है। बनारस जाना, लखनऊ में रैंप पे शो करना, ये सारी चीजें अपने आप को
एक ऐसे प्रांत में जहां पे आपका एक दिया नहीं बचा है, वहां पे खुद को डिस्कशन में, खुद को चर्चा में वापस लाना, आप दिल्ली या नेता नहीं बचाए तो आप कार्यकर्ताओं को ही जुटा के कम से कम अपनी ताकत पहचान रहे हैं। बिल्कुल, और उसी से गुंजाइश बनेगी, क्योंकि पार्टी क्या करे, पार्टी के लिए ऑप्शन क्या है किसी भी राजनीतिक दल के लिए? क्या वो उत्तर प्रदेश के नेहरू भवन में सदा के लिए ताला लगा दें, उसकी कुर्की करा दें और चले जाएं, या उसको पुनर्जीवित करने का प्रयास करें? वो जीते ना जीते, लेकिन मिजाज बदला हुआ है, तेवर थोड़ा सा बदला हुआ है, तरीके फिर से नए कुछ अपनाए जा रहे हैं। बहुत दिनों बाद ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है जिसमें आप कार्यकर्ता से हाथ मिला रहे हैं, भीगते हुए जा रहे हैं। आज अरविंद केजरीवाल जब बुखार में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते थे तो कार्यकर्ता कहता था कि हमारा नेता बुखार में भी बोल रहा है। आज शायद बनारस में पुराने कांग्रेसियों को लग रहा होगा कि सोनिया बीमार होते हुए भी, बुखार में होते हुए भी लगातार घूमती रही, और 2 घंटे का रोड शो अगर 5 घंटे चला तो ये मानना चाहिए कि रोड शो फ्लॉप नहीं था, रोड शो सक्सेसफुल था।